हेलो स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश यूनिट नंबर 3 द लिटिल गर्ल। एक छोटी सी लड़की की कहानी है केसिया, जो वो अपने फादर से बहुत डरती है और वो इतना डरती है कि वो अपने पापा के साथ जब बात करने बैठती है तो वो हकलाने लगती है, अच्छी तरह बात नहीं कर सकती। उसके बात करने से उसमें इतना डर होता था, वो डर निकल जाता है। इसकी स्टोरी इस चैप्टर में कही गई है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेयर मच यंगर। कई बार बच्चों को अपने पेरेंट्स सही नहीं लगते। परहैप्स यू नो नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज अपसेट यू अर्लियर। कई बार वो जो क्रिया करते हैं, वो आपको बोलते हैं, वो आपके भले के लिए डांटते हैं, लेकिन तभी वो आपको अच्छे नहीं लगते। द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की की है। उस फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, वो डर में से उसकी समझन में समझूती हो जाती है। प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। पैराग्राफ नंबर 1, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी सी लड़की के लिए उसके पापा कैसे थे, तो वो उसको हमेशा डर लगा रहता था, उसके सामने आंखें नहीं मिला सकती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, जब वो काम करने के लिए जाते थे, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके घर में रूम में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस। यहाँ पे फिगर टू बी फियर्ड, ग्लोसरी वर्ड्स का मतलब क्या है, पर्सन टू बी फियर्ड, मतलब उससे बहुत ज्यादा डर लगता था। उसके पिता जब काम पे जाते थे उसको किस करके जाते थे। शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको भी राहत मिलती थी। वेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब उसके फादर का व्हीकल की आवाज धीरे धीरे कम हो जाती थी, तब उसको शांति महसूस होती थी। इन द इवनिंग वेन सी केम होम, और उसके फादर जब घर पे आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, और वो स्टेयर केस के पास खड़ी रह जाती थी, सीढ़ियों के पास। एंड हर्ड इज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वो हॉल में जाके उसकी बड़ी बड़ी आवाज सुनती रहती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, उसके पापा बोलते थे कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, पेपर अभी तक नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और उसके पापा चिल्ला के बोलते थे कि मेरे स्लीपर्स लाओ। नाउ इन पैराग्राफ नंबर 2, केजिया मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर ए गुड गर्ल, उसकी माँ बोलती थी कि अगर तुम गुड गर्ल हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, तुमको क्या काम करना है, तुमको आके तुम्हारे पापा के बूट्स निकालने हैं। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टेल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम डोर, और ड्रॉइंग रूम का दरवाजा खोल देती थी। हियर स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। बाई दैट टाइम He had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उसके पापा का देखने का तरीका था, वो एक अलग टाइप का था। वो जिस तरह से देखते थे, केजिया बहुत डर जाती थी। Well, केजिया hurry up and pull off these boots. उसको थोड़ा सा चिल्ला के बोलते थे कि चलो केजिया जल्दी करो, ये बूट निकालो, take them outside. Have you been a good girl today? So much good girl, I don't know, father. वो उसके पापा से इतना डरती थी, वो सिर्फ इतना बोलती थी, I don't know, father. मुझे पता नहीं पापा, आप क्या कहना चाहते हैं। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to a doctor. On page number 2, उसके पापा बोलते हैं कि तुम इतना हकलाओगी तो तुमको किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। Now paragraph number 3. She never stuttered with other people. वो दूसरे लोगों के साथ बात करती थी तब नहीं अकलाती थी। Had quite given it up. Given up means stopped doing it.
but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. जब उसके पापा के साथ बात करती थी तो वो थोड़ा ज्यादा हकलाती थी. What's the matter? What are you looking so wretched about? Wretched means unhappy. तुम क्यों दुखी रहती हो? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. About to commit suicide. Here, Kezia, carry up my teacup back on the table carefully. उसके पिता बोलते थे कि मेरा टीकप है वो वापस ले जाओ और शांति से रख दो. He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. और वो अपने पापा के बारे में बोलती है कि उसको उसके पापा के हाथ, गर्दन, मुंह बहुत बड़ा लगता था जब वो बगासा खाते थे. Thinking about him alone was thinking about a giant, और giant की तरह लगता था. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room. दादी माँ उसको मदर के रूम में भेजते हैं. But the little girl always found mother reading and father stretched down on the sofa. और जब वो अपनी मदर के रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी मदर कुछ रीडिंग कर रही है और उसके पापा सोफा पे सोए हुए हैं. इज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस. देखो पिक्चर में दिया गया है उसका रुमाल उसके मुंह पे है. इज फिक्स ऑन नो वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. किशन कुशन की जरूरत ही नहीं है वो इस तरह सोए हुए ऐसा लगता है. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच डाउन ऑन द सोफा. उसको हर बार ऐसा दिखाई देता है कि उसकी माँ रीडिंग कर रही है और उसके पापा सोए हुए हैं. नाउ ऑन पैराग्राफ नंबर पेज नंबर नेक्स्ट सी सेट ऑन स्टूल. जाके स्टूल पे बैठ जाती ग्रेवली वॉच्ड हिम और शांति से देखती है. अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड जब तक उसके पापा जग नहीं जाते. And asked the time, then looked at her, time pushed in. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. उसके पापा बोलते इस तरह मुझे मत घूरो तुम आउल की तरह दिखती हो. One day, when she was kept indoors with a cold, her mother's grandmother told her that father's birthday was next week. कि उसकी दादी माँ बताते हैं कि उसके grandfather उसके फादर का बर्थडे बहुत नजदीक में है. एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन. उसको पिन कुशन गिफ्ट में बनाना चाहिए. ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिक्वी येलो कलर का कपड़ा लेके. नाउ पैराग्राफ नंबर 5 लेबोरियसली. लेबोरियसली मीन्स विथ इट लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी. और डबल कॉटन लेती है. लिटिल गर्ल स्टिच्ड तीन साइड से वो सिलाई करती है. But what to fill with? उसमें क्या भरना चाहिए? That was the question. The grandmother was out in the garden. और उसके दादी माँ तो गार्डन में थी. And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. और उसकी मदर के रूम में जाके कुछ ऐसा सामान ढूंढ रही थी जो उसे मिल जाए. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. वहां जाके देखती है तो एक अच्छे से पेपर मिलते. गैदर्ड देम अप इकट्ठे करती है वो छोटे छोटे टुकड़े करती है. एंड स्टफ्ड हर केस. स्क्रैप मतलब यहाँ पे कोई भी यूजफुल नहीं है ऐसा कपड़ा पेपर ऐसा. दैट नाइट देयर वाज अ यू एंड क्राय इन द हाउस. उस रात को क्या हुआ? यू एंड क्राई मीन्स एंग्री. उसके फादर बहुत ही एंग्री हो गए. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. उसके फादर की स्पीच थी अथॉरिटी में रिपोर्ट अथॉरिटी में बोलनी थी. रूम्स वेयर सर्च द. रूम में सर्च किया. सर्वेंट्स क्वेश्चन सर्वेंट को पूछा गया. फाइनली मदर केम इन टू केजियास रूम. और लास्ट में केजिया के रूम में आते हैं और उसे पूछते हैं आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम. कि तुमने हमारे रूम में पेपर तो नहीं देखे? ओ यस ही सेड.
I tore them up for my surprise. मैंने वो पेपर फाड़ दिए. What? Screamed the mother. उसकी माँ ने बोला क्या किया तुमने? Come straight down to the dining room this instant. तुरंत तुम डाइनिंग रूम में आ जाओ. And paragraph number 6. She was dragged down to where father was pacing to and fro. जब उसके फादर बैठे थे वहां ले गए. In behind his neck, well, he said sharply, mother exclaimed, he stepped and stared at the child. और उसके सामने देखते घूरने लगते हैं. Did you do that? No, she whispered. नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. Mother go up to room and fetch down the damned thing. मदर उसके रूम में जाती और लेकर आती. See that child put to bed this instant. उसने उसमें डाल दिया था. So, up to here. पैराग्राफ नंबर 6 तक हमने एक्सप्लेन किया.